हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में जो है प्रोनाउंस के बारे में आज हम इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस नाउंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे साथ में हम ये देखेंगे कि अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो यह हम सबको पता है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं यानी ये नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अगर हम किसी सेंटेंस में बार बार रेपिटेशन से बचना चाह रहे हैं अगर एक ही वर्ड एक सेंटेंस में बार बार बोला जा रहा होगा तो क्या वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा या आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा नहीं होगा ना तो प्रो नाउन का मकसद भी यही होता है कि ये हमें रेपिटेशन से बचाते हैं बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल करने से बचाते हैं इससे क्या होता है चाहे हम राइटिंग का कोई काम कर रहे हैं चाहे स्पीकिंग का कोई काम हो रहा है चाहे लिखने का कोई काम हो रहा है चाहे बोलने का, का कोई काम हो रहा है तो इससे हमारी बात अच्छी लगती है बोलने में तो प्रोनाउन का बेसिक पॉइंट क्या है ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये क्या करते हैं हमें रिपीटेशन से बचाते हैं अब इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ते हैं तो प्रोनाउन क्या हो गया जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हमने नाउन में एक लड़के की बात करनी है इंग्लिश में लड़के को बताने के लिए लड़की को बताने के लिए ज़्यादा लोगों को बताने के लिए अलग अलग तरह का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है हम एक ही प्रोनाउन को हर चीज को बताने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लिविंग बीग है नॉन लिविंग बींग है तो प्रोनाउन अलग, अलग अलग तरह का आएगा सबसे पहले ही ही का प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं किसी सिंगल एक लड़के को बताने के लिए इसका उर्दू में मतलब देखें तो उर्दू में इसका मतलब होता है वो सेंटेंस पढ़ लेते हैं जरा अली इज अ बॉय अली एक लड़का है नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है ही लिव्स इन पाकिस्तान ही लाइक्स टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स यानी वो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है तो पहले लाइन में हम किसके बात कर रहे हैं किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं अली के बारे में बात कर रहे हैं ना तो जब अगली लाइन में मैंने अली नहीं लिखा हुआ लेकिन हम ही का प्रोनाउन जब आ रहा है तो हमें पता लग रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अली के बारे में बात कर रहे हैं तो ही यहाँ पे एक प्रो नाउन दिया हुआ है रिप्रेजेंट ये किसे कर रहा है नाउन को ही अली अब यहाँ पे क्या है एक नाउन है नाउन क्या होता है किसी भी इंसान का नाम चीज़ का नाम जगह का नाम तो अली एक नाउन है और ही से हमें पता लग रहा है कि हम अली की बात कर रहे हैं अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा लिखती अली लिव्स इन पाकिस्तान अली लाइक्स टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स तो क्या होता है बार बार बात रिपीट हो रही होती जो कि हमें सुनने में अच्छी ना लगती तो उस रेपिटेशन से बचने के लिए हमने एक लड़के को एक लड़के को बताने के लिए ही का प्रोनाउन इस्तेमाल किया आगे ही लाइक्स टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स अब हमें पता लग रहा है कि हम ऊपर अली की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही का जो प्रोनाउन है ये अली एक नाउन को बताने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है और यही प्रोनाउन का काम होता है प्रोनाउन क्या करते हैं एक नाउन के बारे में किसी इंसान के बारे में चीज़ के बारे में हमें रिपीटिशन से बजाते हैं हम हम बार बार वो नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं अब हम यहाँ यूँ नहीं लिख रहे हैं अली अली लिव्स इन पाकिस्तान लाइक्स टू प्ले ही का प्रोनाउन ना आ गया और हमें यहाँ पे ये यह भी पता लग रहा है हम एक लड़के की बात कर रहे हैं ही का प्रोनाउन एक लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका उर्दू में मतलब होता है वो अब अगर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो लाजमी कोई ऐसा प्रोनाउन भी होगा जो एक सिंगल लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अगर सिंगल लड़की की हम बात करें एक लड़की की बात करें तो उसके लिए प्रोनाउन है शी शी का उर्दू मतलब होता है वो एस एच ई अब जरा सेंटेंस आप देखें आमना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल आमना एक इंटेलिजेंट लड़की है शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अब ऊपर नाउन क्या है यहाँ पे आमना एक नाउन है नाउन क्या होता है किसी इंसान का नाम जगह का नाम चीज़ का नाम तो ये इंसान का नाम है आमना हमारा नाउन गया अब शी यहाँ पे किसके बारे में हमें बता रहा है शी ऑलवेज़ गेट्स गुड मार्क्स तो हमें जैसे हमने शी का लफ्ज बोला हमें ये समझ आ गया कि हम ऊपर आमना की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड किसकी बात की जा रही है आमना की ही बात की जा रही है यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं कि आमना ऑलवेज़ गेट्स गुड मार्क्स आमना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बार, बार बार बात को हम रिपीट करने से बचाने के लिए यहाँ पे प्रो नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की है तो हम यहाँ पे शी का प्रो नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका उर्दू में मतलब है वो अब इसका मतलब ट्रांसलेशन कैसे बनेगी आमना एक इंटेलिजेंट जहीन लड़की है वो हमेशा अच्छे नंबर लेती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उर्दू में मतलब हो गया वो ही का प्रो नाउन किसी एक लड़का को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शी का प्रोनाउन किसी एक लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये बात याद रखें कि यहां एक इंसान की हम बात कर रहे हैं अब कई दफा यह भी तो हो सकता है कि ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो हम किसी के बारे में कोई बात बता रहे हो तब हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं या दे का जब हम ज्यादा सारे दूसरे ज्यादा लोगों की बात की कर रहे हैं इसमें जो इंसान बोल रहा है या बता रहा है वो शामिल नहीं है ये आपने क्लियर रखना है किसी दूसरे इंसान की बात की जा रही है जो कि ज्यादा तब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दे का दे का में मतलब होता है वो जैसे सैम एंड जॉन आर प्रैक्टिसिंग आर लॉर्ड दीज डेज सैम और जॉन जो हैं आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं दे वॉन्ट टू गिव देयर बेस्ट ऑन स्पोर्ट्स डे वो स्पोर्ट्स डे पे अपना बेस्ट देना चाहते हैं अब हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे दो लोग हैं एक सैम है एक जॉन है अब हम ये नहीं कह सकते कि हम ही का प्रोनाउन नाउन इस्तेमाल कर हैं क्योंकि ये दोनों तो लड़के हैं और लड़के के लिए तो हम ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही का प्रोनाउन किसी एक लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं तब हम ही का प्रोनाउन नहीं ये सोच के इस्तेमाल कर सकते हैं कि लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब हमने यहाँ पे दो लोगों का बताना है अगर सैम या मैरी लड़की भी हो सकती थी थे तो वो दो ही लोग ना तब हम किसी दूसरे लोगों को बताने के लिए जब वो ज़्यादा हो, दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जिसका उर्दू मतलब होता है वो अब जब हम यहाँ पे कह रहे हैं दे वॉन्ट टू गिव देयर बेस्ट ऑन स्पोर्ट्स डे तो हमें पता लग रहा है कि दे का मतलब है ज़्यादा लोग हैं और दे किन की तरफ इशारा कर रहा है इन दोनों की तरफ सैम और जॉन की तरफ तो अगर ज्यादा लोग दिए में कोई दूसरे इसमें बोलने वाला शामिल नहीं है अब ये फ़र्ज़ कर लें तो और इंसान बता रहा है कि सैम और जोन आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स डे पे अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें बोलने वाला जो स्पीकर है जो हमें ये बता रहा है कि ये दोनों बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं वो खुद शामिल नहीं है अगर एक इंसान जो बोल रहा है वो खुद भी बात में शामिल हो यानी वो अपने आप को भी लोगों में रखे तब हम उसको किस तरह से कह सकते हैं इसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वी का जिसका उर्दू में मतलब होता है हम इसका मतलब है जो स्पीकर है बात करने वाला है वो भी इसमें शामिल है और यहां पे ज्यादा लोगों की बात की जा रही है जैसे सलमा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स वी लिव इन सेम हाउस वी प्ले इन द इवनिंग अब यहाँ पे एक सलमा है और एक आई यानी मैं हूं खुद हूं यानी यहां पे जो स्पीकर है वो भी इसमें शामिल है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन वी अब यहां पे वी का मतलब क्या है सलमान एंड आई हम दोनों इसमें आ रहे हैं वी प्ले इन दी इवनिंग यानी इसमें हम दोनों आ रहे हैं तो लोग कितने हैं दो हैं एक से ज्यादा है तब हम जब बोलने वाला खुद को भी इस बात में शामिल रखे वी का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं अगर हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं और वो इंसान एक है किसी दूसरे की बात की जा रही है वो इंसान एक है अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं और दो हैं वो या फिर दो से ज्यादा तब हम दे या वी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब किसी और इंसान की बात की जा रही है लेकिन वो इंसान एक है तब हम यू का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं यू का मतलब होता है उर्दू में तुम तुम कह लें या आप कह लें जैसे यू शुड बी अशेम्ब ऑफ योर सेल्फ आपको अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए यू का प्रो यानी हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं किसी और की बात कर रहे हैं वो इंसान एक है वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं एक इंसान की बात की जा रही है वट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं एक इंसान की बात की जा रही है तो दे किसी दूसरे लोगों की बात की जा रही है किसी और के बारे में बात की जा रही है लेकिन वो लोग एक से ज़्यादा वो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं वी की जब हम बात करें तो इसमें स्पीकर बोलने वाला भी शामिल है और यहाँ पर लोग भी अब इसमें भी दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं जब हम यू का प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे इंसान की बात करें वो इंसान एक है तो जिसके लिए हम उर्दू में तुम या आपका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अब यू का जो लफ्ज़ है ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है लड़के के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है होना वो एक ही चाहिए लेकिन इस्तेमाल हम लड़के लड़की दोनों के लिए यू का ही प्रोनाउन करते हैं जब तो हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं इसके बाद है आई आई का मतलब होता है मैं जब बोलने वाला ख़ुद अपनी बात कर रहा है माई नेम इज़ मैरी आई एम फ्राम पाकिस्तान मेरा नाम मैरी है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है अब मैरी यहाँ पे एक नाउन दिया हुआ था तो प्रो नाउन जब नाउन के बारे में बता रहा है अब इसमें बोलने वाला खुद शामिल है तब हम आई का प्रो नाउन इस्तेमाल करते हैं आई का उर्दू मतलब होता है मैं आई लव रीडिंग बुक्स मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो यहां पे भी हमें पता लग रहा है कि आई किसके बारे में बात की जा रही है मैरी के बारे में तो जब मैं की बात कर रही है यानी बोलने वाला स्पीकर जो है वो खुद इसमें शामिल है तब हम आई का प्रो नाउन इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है मैं इसके बाद है इट इट इस्तेमाल किया जाता है किसी एनिमल के बारे में किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताने के लिए हम इंसानों को बताने के लिए इट का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं डोंट ड्रिंक द मिल्क इट स्मेल्स टेरिबल तो अब इट का प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है मिल्क की तरफ हैज़ एनी वन सीन माई लैपटॉप आई can't फाइंड इट अब इस वाले सेंटेंस में नाउन कौन सा वाला है लैपटॉप किसी चीज का नाम है ऊपर मिल्क किसी चीज का नाम था नीचे लैपटॉप किसी चीज का नाम है तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है आई can't फाइंड इट इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है लैपटॉप की तरफ इशारा कर रहा है तो इट का प्रोनाउन किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बेजान चीज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई होप ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया ये का प्रोनाउन किसी एक लड़के को बताने के लिए शी का प्रोनाउन किसी एक लड़की को बताने के लिए दे का प्रोनाउन जब हम किसी दूसरे की बात करें इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वी का प्रोनाउन जब हम जो बोलने वाला स्पीकर है वो ख़ुद भी उसमें शामिल है इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं यू का प्रोनाउन जब किसी एक इंसान को बताने के लिए किसी दूसरे की बात करने के लिए इसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है और इट का प्रोनाउन किसी नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू